-12-13 डिग्री के आसपास अभी टेम्परेचर यहाँ पे बता रहे हैं है। और अभी चलते हैं इग्लू में। ओ ये क्या है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपेल एक्सप्लोर। कैसे भाई सारे? तो आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है। अभी टाइम हुआ है 12 बज चुके हैं और अभी मेरे साथ है रोहित और बोरा। तो आज हम जा रहे हैं नोएडा। नोएडा में क्या है वो आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहना और कुछ अलग ही दिखाएंगे। और जिस हिसाब से गर्मी हो रही है ना, और जो भाई उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख जाते हैं ना, उनको वो चीज़ नोएडा के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहना और वहीं पे जाके आप सीधा डायरेक्ट मिलते हैं आपसे। तो लो भाई, फाइनली हम पहुंच चुके हैं द ग्रैंड वेनिस मॉल, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है भाई। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं स्नो मस्ती। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरा, इसका जो टेम्परेचर है ना भाई वो -12 डिग्री रहता है। और यहां पे स्नोफॉल भी होती है, लाइव स्नोफॉल। वो तो हमें अंदर जाके पता चलेगा कि कैसी लाइव स्नोफॉल होती है और कैसी नहीं होती है। तो बाकी यहाँ पे लद्दाख का मज़ा आपको आने वाला है। जो लोग उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, तो भाई इतनी दूर ना जाके आप सीधा ग्रेटर नोएडा आ जाओ और सीधा बर्फ़ के मज़े लो। और यहाँ पे जो टिकट है दोस्तों वो 1000 रुपये की है। और फिलहाल हमने कुछ ऑफ़र मिला था हमें DR स्टील की तरफ से, तो उस ऑफ़र के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आके टिकट लेते हो तो वो आपको 1000 रुपये की टिकट मिलेगी, ठीक है। अगर आप DRS डील से टिकट लेते हो तो वो भी आपको 1000 की मिलेगी, लेकिन उसमें आपको 3 ऑफ़र और मिल जाते हैं। वो ऑफ़र आपको डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे, जो कि ये 7D सिनेमा और ये हॉरर हाउस और एक ये है से यस टू न्यू एडवेंचर। तो ये आपको 3 ऑफ़र अलग से और मिल जाते हैं। तो अगर आप ये ऑफ़र नहीं लेना चाहते तो आपको एक ऑफ़र और नज़र आ रहा होगा जिसमें स्नो मस्ती और 500 रुपये का वाउचर मिल जाता है। उसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि आप इस 500 रुपये के वाउचर में क्या क्या ले सकते हैं। तो DRS डील का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी डील देते हैं ये, काफ़ी सारे वाटर पार्क की टिकट भी इनके पास मिलती है डील में, तो आप इनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे इनका नंबर शो हो रहा होगा और उसके बाद जाके आप डिस्क्रिप्शन में इनका वेबसाइट का लिंक होगा, वो भी आप देख सकते हैं जाके दोस्तों। ये पेड़ में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये बड़ा फ़ैन लगाया हुआ है हेलीकॉप्टर की तरह, और ये हवा भी दे रहा है। मतलब ना काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा मुझे, पेड़ में ये फ़ैन लगा दिया इन्होंने और ये हवा भी दे रहा है और अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो ये टिकट है स्नो मस्ती की और हमने इसमें एक्स्ट्रा 500 रुपये का वाउचर भी ले लिया है जो DRS डील की तरफ से हमें मिला है। अगर आप यहाँ से अगर आके डायरेक्ट टिकट लेते, अनलिमिटेड जो टिकट है वो 1300 रुपये की है, बाकी स्नो मस्ती की सिर्फ टिकट लेते हैं तो वो 900 रुपये की है। 1000 की नहीं है दोस्तों, वो 900 रुपये की टिकट है। तो इसमें DRS डील में आपको फ़ायदा होगा, स्नो मस्ती की टिकट मिलेगी और उसके बाद आपको 500 रुपये का वाउचर मिलेगा। इस 500 रुपये के वाउचर से आप 7D सिनेमा, हॉरर हाउस, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। भीड़ हो रही है यहाँ पे, आपकी टिकट चेक होगी। यहाँ से आपको कॉस्ट्यूम मिल जाएगा और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, शूज और यहाँ से कॉस्ट्यूम मिल जाएगा। तो फिलहाल भाई हम कॉस्ट्यूम लेके आ चुके हैं, ये कॉस्ट्यूम दिया है इन्होंने, तो वही ट्राई करते हैं साइज आएगा नहीं। ये भाई वो बर्फ़ में जाने के लिए कपड़े पहन लिए हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद लद्दाख पहुँचाएंगे, सीधा लद्दाख लैंड करेंगे। अजीब सा और लग रहा है भाई, मन जैकेट है सही आई है। ओहो भाई गर्मी, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। अंदर चलते हैं, -12 डिग्री टेम्परेचर है भाई। मैं कितना मोटा हो गया भाई। तो अंदर जाने के लिए हम लाइन में लग चुके हैं भाई यहाँ से, और हम बिल्कुल रेडी हो गए। देखो मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भालू
इतना मोटा हो गया भाई, इतना तो मैं खा पी के भी मोटा ना हो। देख रहे हो मेरी पैंट भी कितनी मोटी हो गई। गौरव गया शूज लेने, उसके शूज ढीले आ गए थे। यहाँ से आप शूज वगैरह ले सकते हैं, वहाँ से सामने से आप कॉस्ट्यूम ले सकते हैं जो कि टिकट में इंक्लूड होता है। बस आपको सॉक्स लेनी है, उसके 50 रुपये एक्स्ट्रा है। बाकी आपको शूज रखने हैं तो आपको ऐसी कैरेट मिल जाती है, ये इसमें आप रख दो, कोई समस्या नहीं है। ये बाहर ले जाके रख देंगे अगर ज़्यादा वो हो जाता है तो यहाँ पे भाई आपकी दोबारा से टिकट चेक हो जाएगी। आप ये रख लोगे तो यहाँ से एंट्री गेट है इसका भाई, यहाँ से अब ये इकट्ठे हो जाएंगे ना सारे के सारे यहाँ पे, तो एकदम से एंट्री करवा देते हैं क्योंकि ज़्यादा इसको खोल के नहीं रखेंगे। तो गेट ओपन हो चुका है और हम अंदर चलते हैं। देखो आइस है ये, आइस एक नंबर का, मतलब पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया मेरा। ये स्नोफॉल हो रहा है देखो यहाँ पे, ये इन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है स्नोफॉल का भाई। 45 डिग्री से सीधा -12 और यहाँ का माहौल देखो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये देखो ये आइस है पूरी, ये बर्फ है। और बिल्कुल पैर ना बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं इस टाइम। ये इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये बर्फ है भाई, एक नंबर का मजा आ रहा है। ये देख रहे हो धुआं निकल रहा है, सीधा मुंह से धुआं निकल रहा है भाई। बाहर तो इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, लेकिन अभी फिलहाल तो मतलब ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, मेरे कान भी बिल्कुल ना ठंडे पड़ चुके हैं। हाथों में हमने ग्लव्स भी डाल रखे हैं, मैंने एक हाथ में नहीं डाल रखे क्योंकि मैं फोन ऑपरेट कर रहा हूँ। ये यहाँ की गंडोला राइड। तो दोस्तों ये यहाँ पे माउंटेन ट्रैक कपिल और गौरव कर रहे हैं ये भाई ट्रैकिंग करके, और भैया रस्सा पकड़ के ऊपर चढ़ जाएगा पिलर गौरव। ये माउंटेन ट्रैक है भाई, यहाँ पे वैसे नहीं चढ़ा जाएगा यार, वैसे तो बहुत फिसलन हो रही है, मैं खुद 2 बार गिर लिया हूँ। अंदर का नजारा है और अभी चलते इग्लू में, ये सामने इग्लू है भाई, हमने ग्लव्स ले रखे हैं, बहुत ज्यादा ठंडा है यहाँ पे ना, -12-13 डिग्री के आसपास अभी टेम्परेचर यहाँ पे बता रहे हैं है। और अभी चलते इग्लू में, ये वैसे तो मिट्टी का बनाया हुआ है, मिट्टी का और मिक्स करके पत्थर, और बाकी इस पे बर्फ है इस टाइम ये फिलहाल, ये बर्फ है देख रहे हो कि बर्फ है। और अभी इग्लू के अंदर चलते हैं, ये देखो ये बैठे इग्लू, ये देखो इग्लू के अंदर बैठे हुए हैं, ये देखो यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम है, यहाँ लाइट थी पहले अभी हटा दी होगी कर। तो भाई पैर बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं हमारे, और ये देखो ये बर्फ है, ये पक्की बर्फ है, ये देखो ये आइस है, ये आइस है, क्या टेक्नोलॉजी लगाई है ना यार, मतलब इतनी गर्मी में और फिर ये एक रूम ऐसा बनाया हुआ है जिसमें -12 डिग्री टेम्परेचर है। कैसा लग रहा है कपिल भाई? बहुत ठंड लग रही है। तो भाई अभी ना बर्फ ले रहा था हाथ में, ठंड लगी इसके। देखो भाई ये कपड़े काफी नहीं है यहाँ के लिए, है ना, ठंड लग रही है ना भैया, एक लू बनाया हुआ, यहाँ से अंदर आओ और यहाँ से निकट जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे वोल्टी फ्लाइट है भैया कपिल, ऊपर
और अभी ये कर रहा था भाई। तो यहाँ पे ये है गंडोला राइड, ये भी आप यहाँ पे इसका भी मजा आप ले सकते हैं। ये पूरे स्नो पार्क का ऐसे राउंड लगवा के लाती है, वहां से आखिर से लेके यहाँ तक ऐसे पूरा राउंड लगवा के लाती है। भाई यहाँ पे ना गाने चल रहे हैं, थोड़ा सा कॉपीराइट आने का इशू हो रहा है हमारे साथ ना। यहाँ पे आप ये ट्यूब स्लाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे ये जैसे वाटर पार्क में नहीं होती है स्लाइड है, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं इधर वाले उस पे सरफेस पे। रोहित कर रहा है भाई ये वाली स्लाइड अभी। स्नो फ्लेक्स है, हल्के की स्नो है, स्नो फ्लेक्स भी है। यहाँ पे वो ब्रिज बनाया हुआ है, वो है ये गंडोला राइड है, और यहाँ पे ट्यूब स्लाइड है, और ये वाली स्लाइड है, और बाकी आप स्नो में मस्ती कर सकते हैं। आप यहाँ पे ना ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट या एक घंटा रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा रुकोगे तो आप बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है इसके अंदर। ये वाली ट्यूब है जिससे आप इस वाले पे स्लाइड कर सकते हैं। तो यार एक नंबर का हमें मजा आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये लगा लो बाहर का ना 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 12-12 डिग्री टेम्परेचर है, और इतनी स्नो है यहाँ पे कि एक नंबर का मजा आ जाता है। काफ़ी सारी एक्टिविटियाँ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एक ये आप चढ़ सकते हैं माउंटेन ट्रैक, और यहाँ पे ये ब्रिज भी है इस पे आप झूल सकते हैं, और काफी सारी मस्ती कर सकते हैं जो कि हम कर चुके हैं। काफी मजा आया भाई स्नो में खेलने में ना, लेकिन यहाँ पे ना ज्यादा देर रुका नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब वो है ठंड है, और मतलब पैर में बिल्कुल सुन हो जाते हैं। छोटे छोटे सजेशन देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे ना अपनी 2-3 जोड़ी सॉक्स ला सकते हैं, 2 जोड़ी तो कम से कम लेके आओ, और डबल आके पहन लो, वापस जब जाओगे तो बैग में डाल लेना उनको। और अगर आपके पास भरते सर्दी के कपड़े हैं तो आप ले आओ यार, और यहाँ पे आके डाल लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड लगती है। जैसे कैप ले आओ एक, और एक मफलर ले आओ, उससे ना कान सुन नहीं होंगे, हमारे कान बिल्कुल सुन हो चुके हैं अभी फिलहाल। और रोहित मजा आ रहा है भाई, ठंड लग रही है क्या जी? बहुत ठंड हो रही है, देख लो लाल हाथ हो रहे हैं हमारे बिल्कुल। तो फिलहाल भाई हम बाहर आ चुके हैं, और भाई अब यहाँ बाहर आके ना इतनी गर्मी लग रही है हमें भाई, एकदम से ना मतलब पैर तो इतने सुन हो गए थे यार, और बस अभी भी मतलब हमने बिना सॉक्स के वो पहन ली, मेरी सॉक्स थी वो गीली हो गई बिल्कुल। और कैसा मजा आया भाई? मजा तो आ गया। तो फिर वो है जैसे बोला ना डोरेमोन वाला गेट सीधा वहाँ पहुँच जाए -12 में, और बाहर निकलते इतनी गर्मी लग रही है। तो मतलब एसी यहाँ चल रहा है, लेकिन एसी पता ही नहीं चल रहा है कि चल रहा है नहीं चल रहा है, सबके पैर सुन हो गए बिल्कुल। अभी बिना सॉक्स के शूज़ पहने हैं मैंने, वैसे काफ़ी मज़ा आया भाई। तो अब चलते हैं, जो हमारे पास 500 रुपये के कूपन है ना वो देखते हैं हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलो तो भाई पहले इसमें चलते हैं, द हाउस ऑफ डेड, यानी कि ये हॉरर हाउस है। यहाँ से एंट्री गेट है, इसकी टिकट है वो 200 रुपये की है, एंट्री वहाँ से होती है, मतलब वहाँ से आपको टिकट मिल जाएगी। जो हमारे पास 500 रुपये के कूपन थे वो 200 रुपये के कूपन हमने यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद हमारी यहाँ से एंट्री हो जाएगी। तो ये अभी कह रहा है 2 मिनट रुक जाओ, क्योंकि अंदर लोग गए हुए हैं, वो बाहर आएंगे, उसके बाद हम सीधे अंदर चले जाएंगे। तो अब अंदर चलते हैं भाई। भाई मेरे को लग रहा है डर अब, तो मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ पूरी फ़ोन की ना। तो भाई अंदर चलते हैं भाई साहब। लोग
ओ भाई साहब, ओ देखो भाई हॉरर हाउस। ये है भीतर भी बढ़िया है मरियो। बड़ी खतरनाक है। या, या। भाई साहब हम तो ना फिलहाल मतलब तो भाई हम फिलहाल ना लाइट ऑन करके आए, नहीं तो हम मतलब बहुत डर लगता है इसमें ना। अच्छा ठीक है। ओ ये एकदम से आई है, ये देखो खतरनाक। हाँ मम्मी दा मम्मी, ये तो भाई इससे निकला है देखो। पता ना कोई ठा तो ना लेगा गौरव ने। आ जाएगा वो भाई, देखियो क्या टोट का शक्कर रखे है। टोट का शक्कर रखा है वो गोरम आ रहा है पूरा ब्लैक थीम दे रखी है इसको। सेंसर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो सेंसर है, ये देखो सेंसर है, ये देखो सेंसर है, ये देखो सेंसर है यहाँ पे। ये देखो ये देखो ये ओ ये देखो ये ओ ये भाई साहब आया नहीं जाएगा इतना मुझे पता है। तो हम भाई इस वाले कूपन से अभी टिकट ले रहे हैं 7D सिनेमा की। ये है 7D सिनेमा और इसके अंदर जाके देखते हैं अभी। बाकी यहाँ पे टिकट जो हाउस ऑफ द डेड इसकी 200 है, 7D की 7D राइड की 200 है, ठीक है। प्लस कॉम्बो लेते हैं तो आपको 300 रुपये की मिल जाएगी। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो भाई अभी 7D सिनेमा स्टार्ट होने वाला है। ये क्यों गिल्ले हो रहे हैं भाई है?
थिएटर में बैठ गया मूवी देखने 70 थिएटर में 70 थिएटर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है भाई, देखते हैं कैसा मजा आएगा, देखते हैं भाई एक नंबर का मजा आने वाला है भाई। देख यो सीट बेल्ट का लोग टूटा हुआ था, क्या कर रहा है काम बांधी ओए सही है ना जाओ ना कहीं भी आओ देखो काम बांधी है इधर तो खोल देता हूं बारिश आ गई तो ये था भाई 7D सिनेमा जो आपने अभी देखा, और भाई ये इसका स्क्रीन है और यहाँ पे वो चश्मे लगा देते जैसे 3D ग्लास लगाते हैं ना, सेम वैसे ही वो ग्लास लगा देते हैं, उसके बाद ना एनिमेशन दिखते हैं अलग अलग तरीके से और काफ़ी सारे भूतिया हॉरर मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखती है, तो काफ़ी मज़ा आया। और ये 200 रुपये की टिकट है इसकी अगर आप यहाँ पे आना चाहो तो, और अगर मैंने आपको बताया था ना DR झील के बारे में, अगर वहाँ से लेना चाहते हो तो कूपन दे देते हैं वो यूज़ करके के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। तो हमारी भाई एक एक टिकट और बची हुई थी जो 200 रुपए के कूपन थे वो और बचे हुए थे, अब हम करने वाले हैं VR, इसमें आप जो करना चाहते हो कर सकते हो, इसमें ये 12 वो है जिसमें काफ़ी मज़ा आएगा। तो भाई फिर से आ गए हम फूड कोर्ट में, भूख लगी हुई थी, हमने पनीर रैप मंगवा लिया यहाँ से ग्रिल इन से, और ये यहाँ पे ना कॉम्बो है 125 का, इसमें पनीर रैप और कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, तो तीन कॉम्बो हमने ले लिए हैं, खाते हैं और फिर निकलते सीधा घर। आप खा सकते हो भाई, टेस्ट इसका ठीक है, सही है ना, इसका टेस्ट सही है, बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर से पनीर भी सॉफ्ट है और काफ़ी बढ़िया है। तो फिलहाल दोस्तों हम मॉल से भाई निकल चुके हैं और आज हमने ना काफ़ी मस्ती करी और काफ़ी कुछ खाया भी, पहले तो जाते के साथ हमने बर्गर किंग पे बर्गर खा लिए, मील खा ली पूरी, वहाँ पे फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक और बर्गर, तो यार वो ओवर हो गया था ठीक है। उसके बाद हम स्नो मस्ती से जैसे बाहर निकले फिर से भूख लगी आई ठीक है, एक तो हम इतने बड़े भूखड़ है भाई ठीक है असर है। तो उसके बाद भाई वहाँ पे ग्रिल इन करके था ना वो, हाँ ग्रिल इन करके था, वहाँ पे हमने फिर से कॉम्बो ले लिया, उसमें था पनीर रैप और कोल्ड ड्रिंक, तो फिर से वो खा लिया। अब भाई खाना खाने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि हमने पहले से ऑलरेडी हम फुल हैं, पहले मैं भाई सीट बेल्ट लगा लेता हूँ नहीं तो ये टू 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 करती रहेगी। तो भाई आज के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो स्नो मस्ती का एक्सपीरियंस हमारा यार काफ़ी बढ़िया रहा आज का, भाई इतनी ठंड थी ना बस पूछो मत। और दूसरी बात यार आप घर से 2-3 जोड़ी सॉक्स लेके आना, 2 जोड़ी सॉक्स तो अंदर पहन के ही जाना यार, मेरा कहने का मतलब ये, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, सबसे ज़्यादा ना पैरों में ठंड लगती है, वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बीमार भी हो जाओगे, सही बात तो ये है ठीक है। 3 जोड़ी सॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ, 2-3 जोड़ी, 2 जोड़ी आप अंदर डाल जाना ऊपर नीचे करके, और उसके बाद जब बाहर निकलो तो एक जोड़ी आप पहन सको, ठीक है। जब अंदर एक्टिविटीज करते हैं ना, हाँ, तो ऊपर से नहीं पड़ते आते हैं, हाँ, तो उसमें जो स्नो है ना उसके अंदर घुस जाती है, और भाई हल्की हल्की स्नो फ्लेक्स भी गिरती है तो काफी मजा आता है, और ऐसा लगता है मतलब जैसे हमारे तो ना कान भी ना बिल्कुल सुन्न हो गए थे, लाल हो गए थे, मैं ऐसे पकड़ के बैठ गया था, मतलब
हिम्मत नहीं हो रही थी यहाँ से, फिर ग्लव्स भी मैंने डाल लिए थे भाई, तो काफ़ी मज़ा किया हमने स्नो में वैसे भी। और वहाँ पे ना आप काफ़ी सारी राइडें भी अंदर कर सकते हो, जैसे ट्यूब वाली राइड कर सकते हो, और दूसरा आप एक वो उस वाली स्लाइड को क्या बोलते हैं भाई, वाटर पार्क में देखी होगी आपने, उसका नाम मेरे को नहीं पता, वो लेट के करते हैं उसको, मैट होता है मैट वाली स्लाइड बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, वहाँ पे ना गंडोला राइड भी थी, वो मैंने आपको दिखाई थी ना, जो ऊपर ऊपर स्नो पार्क के पूरे ऊपर ऊपर चक्कर लगा रही थी, वो सिंगल मतलब एक जैसे गाटर नहीं होता हमारे घर में, ऐसे उस पर गंडोला राइड चल रही थी, उसकी 200 रुपये की टिकट थी, वो मतलब इतना हमें ना पसंद नहीं आई, हमने वो की नहीं, आप कर सकते हो ठीक है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा इतना कुछ महंगा नहीं है, 200-200 रुपए की सारी स्लाइडें हैं, जैसे 7D सिनेमा था उसकी भी 200 की थी, और हॉरर हाउस था उसकी भी 200 की थी, बाकी काफ़ी सारा हमने फ़न किया यहाँ पे, मज़ा आ गया आज हमें। तो एक यहाँ पे जो VR सिनेमा था उसमें इतना मज़ा नहीं आया भाई, जो उसने मतलब चलाया ना वो रोलर कोस्टर वाला चलाया, इतना मज़ा नहीं आया जो 7D में मज़ा आया। हाँ 7D में एक नंबर का मज़ा आया था भाई, हमने ग्लास लगा लिए थे, जैसे 3D में हम मूवी देखने जाते हैं ना, जैसे ग्लास लगा लेते हैं, सेम ऐसे ही 7D ग्लास लगा लेते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं भाई घर पे, आज की वीडियो में इतना ही था, आप कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी बनी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तो फिलहाल वीडियो को यहीं एंड कर देता हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।